हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुरसराज कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस यू वेल। गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको लेके आए हैं गवर्नमेंट पोस्ट के रिगार्डिंग। आपने जैसे थंबनेल में चेक किया होगा कि पोस्ट ऑफिस में गवर्नमेंट पोस्ट निकली हुई है, और ये पोस्ट कौन कौन फिल कर सकता है, कौन कौन सी कंट्री में निकली हुई है, उसके बारे में सभी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। आप देख सकते हो हमने वेबसाइट ओपन की हुई है पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट की, और इसमें जो वैकेंसीज है वो GDS डिपार्टमेंट्स में है, और कितनी वैकेंसीज है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकती हो। ये देखिए, ये जो न्यू इनका नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग चल रहा है 40,000 आपकी प्लस वैकेंसीज है। इसकी स्टार्टिंग डेट 27/1/23 से स्टार्ट हो चुकी है, और एंडिंग डेट है 16 फेब तक आप ये नोटिफिकेशन अप्लाई कर सकते हो। अभी हम चलते हैं इनकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर कि वैकेंसीज कौन सी है और आपने कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ आपको इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो ये देखिए, जो ये वैकेंसीज है ये है हमारी ग्रामीण डाक सेविक की वैकेंसीज है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में GDS बोलते हैं। ठीक है, इसमें टू टाइप ऑफ वैकेंसीज निकली हुई है। ये देखिए, फर्स्टली निकली हुई है हमारी BPM, सेकेंड हमारी निकली हुई है, एक तो निकली है BPM, सेकेंड है निकली हुई है ABPM, डाक सेवक की आपकी वैकेंसीज निकली हुई है। और ये जो वैकेंसीज है आप मीनिंग फिल कर सकते हो, अगर कोई कैंडिडेट 10th पास है वो ये दोनों वैकेंसीज क्या है फिल कर सकते हैं। और इसके नोटिफिकेशन के साथ ही इन्होंने सभी एनेक्सेस प्रोवाइड किए हुए हैं जो कि आपको फिल करके अपनी वैकेंसीज क्या है फिल करनी है। और इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट है वो 27/1 से स्टार्ट हो चुकी है, और 16 तक आप फिल कर सकते हो। आफ्टर, अगर आप कोई करेक्शन करना चाहते हो तो वो है 72 के बाद 92 तक आपके क्या है, लाइक 95 तक आपको टाइम दिया जाएगा करेक्शन करने के लिए अपने फॉर्म में, तो वो आप क्या है कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं इसमें जो कैटेगरी, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैटेगरी आपको टू टाइप ऑफ कैटेगरीज मिलेंगी। एक तो है हमारी BPM, जिसकी जो सैलरी पैकेज रहेगा इतना रहेगा, आप देख सकते हो 12,000 से प्लस 29,000 तक। और जो हमारी निकली है डाक सेविक की, उसमें 10,000 के प्लस आपकी निकलेगी सैलरी होगी, 10,000 से लेकर 24,000 तक आपकी जो सैलरी रहेगी। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो कि आपको कौन सी पोस्ट फिल करनी है। बाकी इन्होंने सभी नोटिफिकेशन में जो डिटेल्स मेंशन की हुई है। अभी हम चलते हैं इसकी जो ब्रीफ प्रोफाइल है, जैसे जो BPM पोस्ट क्या होती है, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होगा कि जो BPM का वर्क क्या होता है। जैसे गाइस, पोस्ट ऑफिस में वर्क होता है उसमें जो रहता है ब्रांच पोस्ट मास्टर, ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो भी वर्क रहता है उसको हम शॉर्ट फॉर्म में BPM बोलते हैं। जैसे डाक सेविक वगैरह का ध्यान रखना, कौन कौन से डाक्स आई है, कौन कौन से कोरियर आए हैं, वो सभी चीज़ क्या इसमें होगी, तो ब्रांच पोस्ट मास्टर का वर्क रहेगा। सेकंड जो पोस्ट रहती है हमारी असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो पोस्ट रहेगी, जो सेकेंड हमारी कैटेगरी है ABPM, इसमें भी आप अपनी क्या है फिल कर सकते हो। बाकी जो लेटेस्ट डिटेल्स रहती हैं वो आप मीनिंग नेट पे चेक कर सकते हो, आपको वीडियोस मिल जाएगी ब्रीफली अगर आपको ये वर्क जानना है कि ABPM का वर्क क्या होता है। उसके बाद गाइस, आपके जो लास्ट मीनिंग तीसरा कैटेगरी है वो है डाक सेवक की, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी पोस्ट फिल कर सकते हो। अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये पोस्ट कौन कौन कैंडिडेट फिल कर सकते हैं, एज लिमिट क्या रहेगी। एज लिमिट रहेगी गाइस, देखिए 18 इयर्स, अगर आप 18 इयर्स से प्लस है तो आप ये पोस्ट फिल कर सकते हो। मैक्सिमम एज रहेगी 40 इयर्स तक, 40 इयर्स तक अपनी जो पोस्ट है ये फिल कर सकते हो। और ये कैटेगरीज के अकॉर्डिंग इन्होंने बताई है कि अगर आप कैटेगरीज के अकॉर्डिंग बिलोंग करते हो तो इतना टाइम क्या है आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ये डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एजुकेशन के रिगार्डिंग, बात करेंगे कि आपकी एजुकेशन क्या क्या होनी चाहिए। बाकी इन्होंने एज लिमिट के रिगार्डिंग सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहने वाली है, इसमें गाइस इन्होंने देखो मेंशन किया हुआ है, स्पेशल मेंशन किया हुआ है कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड हैविंग पासिंग इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश। आपका अगर 10th पास आउट है मैथ्स एंड इंग्लिश, हैविंग बीन स्टडी एज कंपल्सरी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स, लाइक आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट्स जो भी मीनिंग हमारे नॉर्मली जो 10th पास आउट होते हैं मैथ और इंग्लिश के साथ करते हैं, अगर आपके पास ये क्राइटेरिया आपका फिल होता है तब आप ये पोस्ट फिल कर सकते हो। नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि लोकल लैंग्वेज, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग भी आपने अपनी पोस्ट फिल करनी है, क्योंकि इसकी जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा निकली है। जैसे मैंने आपने पहले ही बताया 40,000 प्लस बुक पोस्ट निकली हुई है, तो उसके भी मैं डिटेल्स बताऊंगी भी कौन सी लाइक कौन से सिटी में कितनी पोस्ट निकली हुई है उसके बारे में सभी बताएंगे। और अनदर जो आपकी क्वालिफिकेशन होने वाली है वो है कंप्यूटर ऑफ नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है,
लाइक कंप्यूटर की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास डिप्लोमा वगैरह होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आपके आपके पास साइकिलिंग की नॉलेज होनी चाहिए, साइकिल चलाना आना चाहिए या फिर एक्टिवा चलानी आपको आनी चाहिए, ठीक है। बाकी की डिपेंड करती है आपके लाइक जहाँ आप रहते हो, आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है, क्या आपको वो लोकल लैंग्वेज आती है, तो वो सभी जो डिटेल्स है आपको मीनिंग आनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप ये पोस्ट क्या है फिल कर पाओगे। बाकी गाइज इन्होंने बाकी भी बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की हुई है। ये जो पोस्ट है कि ये नोटिफिकेशन है, अगर आपको ये नोटिफिकेशन चाहिए प्रॉपर पढ़ने के लिए तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ये नोटिफिकेशन आप शेयर कर दूंगी, उसका जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन्होंने ये भी बता रखा है कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो ये पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी इन्होंने इस नोटिफिकेशन में प्रॉपर सभी मैंशन किया हुआ है और एनेक्सेस वगैरह भी लगाए हुए हैं, वो भी मैं आपको अभी वेट थोड़ा सा दिखा रही हूँ। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है ये भी आपको प्रॉपर रीड करनी है, और ये एनेक्सेस आपको फिल करने हैं अपनी पोस्ट फिल करते टाइम। एनेक्सेस फिल करके आप अपने प्रॉपर जो पोस्ट है वो मीनिंग अप्लाई कर सकती हो, और ये 10th के मीनिंग बेस पे है। अगर आपने 10th पास आउट की हुई है तो आप अपनी ये गवर्नमेंट पोस्ट के अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट अभी बात करते हैं हमारी कितनी कितनी पोस्ट निकली हुई है। ये देखिए इनका जो मीनिंग शेड्यूल है, जैसे इन्होंने फर्स्ट बताया है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में, हाँ जी गाइस इसमें आप चेक कर सकते हो कि टोटल हमारी जो पोस्टेज रहने वाली हैं, जैसे आंध्र प्रदेश में टोटल इतनी हमारी पोस्टेज रहने वाली है, असम में इतनी रहने वाली है। ये जो नोटिफिकेशन है ये भी मैं प्रॉपर आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। और जैसे हम मेन बात करते हैं पंजाब की, तो पंजाब में हिंदी और इंग्लिश की जो कैंसेस रहने वाली है वो है 6। इसके अलावा जो पंजाबी में लाइक मैंने आपको बताया था लोकल लैंग्वेज, अगर आपकी लोकल लैंग्वेज पंजाबी है तो उसमें हमारी पोस्टेज रहने वाली है 760। तो आप अपनी मीनिंग सिटी के अकॉर्डिंग, अपनी लोकेशंस के अकॉर्डिंग ये पोस्टेस चेक करके फिल कर सकते हो। तो अगर आपको ये नोटिफिकेशन भी चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, वहाँ से आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके चेक कर सकते हो, और आप कहीं भी किसी भी कैफे पे जाके अपनी ये पोस्ट क्या है फिल कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डिप्लोमा चाहिए, उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।